नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ और ललन टॉप इस समय चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में है, जहाँ पर 1 मई 2022 की शाम को एक मृत्यु की घटना सामने आती है। निशा, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, उनकी मृत्यु होती है उसी समय जब पुलिस दबिश देने इस घर में आती है। मेरे साथ कन्हैया यादव हैं, जिनके लिए पुलिस आई थी दबिश देने, उन्हें जिला बदर किया गया था। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और कन्हैया यादव जी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। कन्हैया जी, आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, मैं कोई दबाव नहीं डालना चाह रहा आपके ऊपर, मैं चाह रहा हूँ बस आप बातचीत कर लें। आपके हिसाब से, मैंने बात की चंदा जी से, बात की मैंने गुंजा जी से भी बात की, क्या हुआ था कल? आपके हिसाब से कल क्या हुआ? जी, हम बनारस गए थे, बनारस से आए तो लड़के को हमारे ये कोतवाल साहब पकड़ के ले गए थाने में, ले जाके लड़के को मारे पीटे और 151 में इनको चालान कर दिए, और जो हाँ विजय यादव को, और जब चालान कर दिए तो दूसर का छोटा वाला लड़का था विशाल, वो गया जमानत कराने के लिए। विशाल नाम है ना? नहीं, विशाल नाम है। और वो लेकर गया जमानत कराने, उसी वक्त पुलिस घर में आती है, हमारी दो बच्चियां घर में हैं, और चार गाड़ी पुलिस आई और जिसमें महिलाएं थी, डायरेक्ट गेट में से चढ़ के ऊपर में जो है पुलिस जो है जा कर के बच्चियों को मारी पीटी, जिसमें मेरी बड़ी बेटी निशा को चोटाई लगी गर्दन में और बेल्ट से पूरे शरीर में मारा गया था, उसमें हमारी बेटी की मृत्यु हो गई। और छोटी वाली लड़की जो है उस वाले रूम में, उसको भी चोट आया था, वो भी गंभीर रूप से घायल थी। इसी में पुलिस ने लड़की का शव पंखे में लटका करके और भाग गई। अच्छा कन्हैया जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि 2020 में, 2020 के आसपास आप पर और आपके बेटों पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, गैंगस्टर एक्ट वगैरह, है ना? कोई मुकदमा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक बिजली विभाग का मुकदमा था जो ख़त्म हो चुका था, हमारे पास 151 का मुकदमा था वो जो ख़त्म हो चुका था, 2014-16 का था, उसी के ऊपर एक कोतवाल साहब ने उसी को दिखा करके हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए, जिला बदर किया गया, और उसमें जिला बदर किया गया हमको। तो मैं जब जिला बदल हो गया तो मैंने कमिश्नर यहाँ गया, कमिश्नर से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट जो आए 14 तारीख को आना था। क्यों ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है आपके खिलाफ? जी, हमको ये सैयद राजा थाना परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। क्यों, किसके कहने पर, क्या कहानी? कहानी तो सर ये है कि कुछ तो हमारे परिवार के लोग लगे हुए हैं, वो थाना के दलाली करते हैं। आपके कोई भतीजे हैं शायद जिनसे? हाँ। वो लोग लगे हुए हैं, उनका नाम है डब्बल यादव और एक का नाम है सुनील, एक का नाम है ये राकेश, और एक हमारे गांव का है। ये सब हमारी ये दुकान चलती थी, ये दुकान हमारे बहुत धड़ल्ले में चलती थी, बालू वाली जो है, बालू गिट्टी छड़ सीमेंट सबका दुकान थी, वो बहुत बेहतरीन चलती थी। इन लोगों के दुकान, इन लोगों का काम चलती थी, इनके चलन की भावना थी, इसलिए ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे थे। और आज 8 महीना से ये दुकान हमारी बंद करवा दी है। किसने कहने, वो घर वालों ने करवाया? ये थाना पुलिस वाले ने करवाया बंद। जो आपके घर वाले जो उनके साथ मिले हुए हैं, डब्बल डब्बल का इनका नाम? हाँ, ये लोग हमें, वही लोग हैं और कोई नहीं इसमें? हाँ, ये पड़ोसी हैं, ये रामदरस हैं, भोला यादव हैं, यही लोग का मदद करते हैं, आड़े आड़े जाते हैं, यही लोग सब करवाए। कोई और बड़ा आदमी तो नहीं इन्वॉल्व है इसमें आपके ज़िले का? जी, हमारे ज़िले का जी बात हो रहा था, जब बात हो रहा था कोतवाल से, तो कोतवाल यही कहते थे कि भैया वो सुशील से बात करवा दिए तो आपकी दुकान चलेगी, नहीं वरना नहीं चलेगी। सुशील मतलब विधायक सुशील से? वो ये कहते थे कि अगर सुशील से बात करवाएंगे आप तो आपकी दुकान चलेगी, नहीं ऐसे आपकी दुकान नहीं चलेगी। सुशील से बात मतलब आप वो बोलते थे कि विधायक सुशील सिंह जी कहेंगे तो दुकान चलेगी आपकी? नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा। और नहीं चलने देंगे, हम तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, यही वो बोल बोल कर चले जाते थे। अब की बार हमको जब हम
दूर हो गए, हमारे दो बच्चे दूर हो गए, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के घर में घुस गए। पुलिस बस ये आई, बच्चियों को मारी पीटी, मारना ही शुरू कर दी बेल्ट से, और दोनों बच्ची हमारे चिल्ला रही थी। पुलिस को बुलवाने वाला इसमें डब्बल यादव हैं, ये बोले, ये पुलिस को गुमराह करके बुलाया कि कन्हैया यादव घर में हैं, जबकि मैं बनारस में मकान लेकर रहता था, घर पे नहीं रहता था। जिला बदर थे, हम सोच रहे थे कि हमारा जजमेंट आ जाए तो हम घर चलें। उसी का फ़ायदा उठाकर पुलिस को ये लोगों ने, जैसे रामदास यादव हुए, भोला यादव हुए, डब्बल यादव हुए, ये लोग गुमराह करके ही कन्हैया यादव घर में हैं, आ इनको आप पकड़ लीजिए, जबकि मैं बनारस में था, घर पे मैं आता ही नहीं था। मेरा जब जिला बदल हुआ, उसके मैंने जो ही बदल हुआ, हमको नोटिस भी नहीं मिली, तब तक मैंने अपना घर छोड़ दिया, चला गया बनारस। और उसके बाद ये पुलिस आई, ये घटना का अंजाम देकर चली गई। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? जी, पुलिस के कार्रवाई में तो अब ये हमको आश्वासन दिया गया था कि ये 304 लगेगी, तो इसके बाद 302 लग जाएगी, ये आश्वासन दे करके ये पुलिस हमको कल जो है दबाव बना कर ये कर किया, और मैंने पुलिस का वो किया, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि पुलिस हमारे साथ इंसाफ कर सकती है, ये हमको विश्वास नहीं लग रहा है। विश्वास नहीं लग रहा है जी? ना, पुलिस पर हमको ये विश्वास नहीं लग रहा। क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़की का अगर हत्या हुआ है तो उस पर 302 लगाया जाए, उसको फांसी की सजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिए। आप कन्हैया यादव जी थे हमारे साथ, इस पूरी बातचीत में जुड़े थे। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।